सीता, मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र का दुष्प्रयोग रोकने के लिए उसकी शक्ति का आघात प्रभु श्री राम, हनुमान और राजकुमार लक्ष्मण ने अपने वक्ष पर ले लिया है। समस्त लंका और सारी सेना तो सुरक्षित है, किंतु दुर्भाग्यवश पूरी वानर सेना और राजकुमार लक्ष्मण उस शक्ति के आघात को सहन नहीं कर पाए। नहीं, ये कैसे संभव है? अपने भैया और भाभी पर अपने प्राण तक निछावर करने को सदैव तत्पर, कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण, अनुज लक्ष्मण को कुछ कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, आप आहत नहीं हो सकते, सुनिए मेरे स्वर, आंखें खोलिए लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण, मूर्छा तोड़िए भ्राता, उठिए भ्राता लक्ष्मण, उठिए। सीता को मैंने पूर्व में ही खो दिया, अब मेरा लक्ष्मण भी। इतनी पीड़ा कैसे सह सकता हूं मैं? दुष्ट मेघनाथ इतनी सरलता से मेरा शरीर, मेरी आत्मा के अन्य भागों को कैसे विभक्त कर सकता है? उठो लक्ष्मण, मैं कह रहा हूं उठो लक्ष्मण। ठीक, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। पग पग पर तुमने मेरा अनुसरण किया है ना, तो सुनो, अब मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी यम लोक चलाऊंगा, मैं भी यम लोक चलाऊंगा, मैं भी यम लोक चलाऊंगा। प्रभु, आप संभालिए अपने आप को। संभालने को शेष क्या है हनुमान? दुष्ट मेघनाथ ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, पहले सीता और अब मेरा लक्ष्मण मुझसे छीन लिया। अब इस युद्ध में भी विजय का क्या लाभ? किस मुख से अयोध्या जाऊंगा हनुमान? अपनी माताओं और भ्राताओं का कैसे सामना करूंगा? क्या कहूंगा उनसे? कि मैं अपनी भार्या और अपने अनुज लक्ष्मण की रक्षा भी ना कर सका। अब ये युद्ध ही नहीं, मेरा जीवन भी निरर्थक है, निरर्थक है मेरा जीवन।
नहीं प्रभु, आपका जीवन कैसे निरर्थक हो सकता है। अभी दुरात्मा रावण के वध के साथ अधर्म का सर्वनाश करना शेष है। शेष है? क्या शेष है हनुमान? हमारा सर्वनाश तो दुष्ट मेघनाथ कर चुका है। देखो कुछ शेष नहीं रहा, ना सीता ना लक्ष्मण। जब तक प्रभु श्री राम और उनका नाम है, संसार में सब कुछ है। आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है, प्रभु भैया लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। पुनः खड़े होंगे ये, युद्ध करेंगे ये दुष्ट मेघनाथ से। और लक्ष्मण भैया उसका अंत करेंगे प्रभु। प्रभु आप ही से सीखा है कि विजय सदैव धर्म की होती है और इस बार भी होगी। राधा लक्ष्मण का उपचार संभव है प्रभु। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को मिटाने की क्षमता एक वैद्य में है जो अपनी जड़ी बूटियों से लक्ष्मण को स्वस्थ कर सकते हैं। शीघ्र बताइए ना मामा, कहाँ मिलेंगे वो, क्या नाम है उनका? वैद्य सुषेण। लंका निवासी, लंका के राज्य वैद्य हैं वो। उन्हें शीघ्र अति शीघ्र लेके आऊंगा मैं। परंतु हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन है, और चिकित्सा में विलंब होने पर भ्राता लक्ष्मण की अवस्था और भी बिगड़ सकती है। जब प्रभु श्री राम का नाम मेरे साथ है तो कठिनाइयां भी स्वतः दूर हो जाएंगी। हनुमान, ऐसा अविस्मरणीय कार्य करके तुम मुझे पुनः कृतज्ञ करोगे? आपकी सेवा कर कृतज्ञ तो आपका ये सेवक होगा प्रभु। मैं आपको वचन देता हूं, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और समय रहते वैद्यराज सुषेण जी को यहां लेकर आऊंगा प्रभु। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हनुमान।
परंतु मैं तुम्हारे वहां पहुंचने के पूर्व ही तुम्हारी असफलता सुनिश्चित कर दूंगा वानर। मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। रावण ने वैद्यराज सुषेण जी को लंका में कहीं छुपा रखा होगा, हनुमान उन्हें ढूंढ ही लेगा। समझ नहीं आ रहा मुझे, पहले वो वानर ब्रह्म पाश से मुक्त हो गया, फिर नाग पाश भी कोई अहित नहीं कर सका उन वनवासी भाइयों का, वो बार बार जीवित कैसे बच जाते हैं? आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, यदि वो वानर हनुमान लक्ष्मण सुषेण को ढूंढने के लिए लंका में प्रवेश करता है, ना तो वो सुषेण जी के पास पहुंच पाएगा और ना ही लंका से वापस जीवित लौट पाएगा। ये वाटिका में कोई आभा सी दिखाई दे रही है। माता, माता, माता सीता, माता यहां सकुशल हैं, तो फिर वो मेघनाथ? अभी देखता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषेण जी तक पहुंचने से रोकने के लिए कोई माया रची जा रही हो? किंतु माता के चारों ओर आलोकित ये आभा माता की पवित्रता का प्रमाण है। माया रूप इस प्रकार आलोकित नहीं हो सकता। माता, अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूं? पुत्र हनुमान, वहां क्यों खड़े हो? मेरे इतने निकट होकर भी मुझसे भेंट करने नहीं आए पुत्र? माता, 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 जीवन में ये प्रथम बार हुआ है कि मैं सत्य और माया में अंतर करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे इस असमंजस से उबरने में मेरी सहायता कीजिए माता। कैसा असमंजस? यही माता कि मेघनाथ ने मेरे नेत्रों के समक्ष जिन माता सीता का वध किया था वो सत्य में आप ही थी, या ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने प्रथम बार में आपको देखा था? पुत्र, कभी कभी नेत्र भ्रमित भी कर देते हैं, किंतु हृदय, हृदय सदैव सत्य कहता है। अपने हृदय की सुनो पुत्र। मेरे हृदय का तो कोना कोना कह रहा है कि सत्य में आप ही माता सीता हैं, पूर्णतया सकुशल हैं आप। पुत्र,
हृदय सत्य का दर्पण होता है और तुम्हारा हृदय ही सत्य कह रहा है। जो तुमने पूर्व काल में देखा वो मेघनाथ की माया थी। ये सत्य है, सत्य है। ये मेरी माता सकुशल है। धन्यवाद माता। नहीं, मैं इस प्रकार आपसे नहीं मिल सकता। मन तो बहुत है कि मैं आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं, किंतु अभी नहीं। मैंने आपको वचन दिया था। पुत्र हनुमान, समक्ष नहीं आ सकते हो पुत्र, किंतु मैं तो तुम्हारे समक्ष आ सकती हूँ। माता, माता, वे माता। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो पुत्र? कैसे बताऊं माता कि आपके इस पुत्र से कितनी बड़ी भूल हो गई, कैसा दारुण दुख दे दिया मैंने अपने प्रभु को। माता, मेघनाथ की माया से भ्रमित होकर मैंने उन्हें आपके मृत होने का मुझे सब ज्ञात है हनुमान। ये विषाद त्याग दो, क्योंकि अब तुम ही यहाँ की सूचना देकर अपने प्रभु को असीम सुख प्रदान करने वाले हो। और फिर ये समय विषाद का नहीं है। जो संकट इस समय आया हुआ है उससे उबरने के लिए शीघ्र प्रयास करने का है पुत्र। हाँ माता। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान, तुम अनुज लक्ष्मण के जीवन में आए हुए संकट को मोचन करने में अवश्य सक्षम होगे। माता, आपको सकुशल देखकर मुझे परिस्थितियों के अनुकूल होने का संकेत मिल चुका है। माता, माता, मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया है। अब मैं सुषेण जी को ढूंढने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। सफल मनोरथ भव पुत्र। प्रणाम माता। कुछ असाधारण सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कोई द्वार, कोई प्रासाद, कोई आश्रम जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना जाने कहाँ रहते हैं सुशेर जी। कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं उन्हें। समय भी व्यतीत होता जा रहा है। अभी तक इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय होती आई है, मुझे विश्वास है हनुमान के होते हुए धर्म कभी परास्त नहीं होगा। हाँ,
हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन। उस समय भी कठिनाई तो बहुत आई थी, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेते ही माता सीता को मैंने ढूंढ लिया था। आज भी प्रभु का नाम ही मार्गदर्शन करेगा मेरा। जय श्री राम। क्या मेरा स्वर कहीं से टकरा कर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या रहस्य है? मेरी ध्वनि मुझे ही सुनाई पड़ रही है? कहीं ये किसी नए संकट का आमंत्रण तो नहीं? ईश्वर का नाम और आत्मविश्वास के बल पर कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है।